नमस्कार, अजित पवार ने खुद को बताया एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो पन्ने की चिट्ठी में नहीं किया शरद पवार का जिक्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन पर निर्वाचन आयोग की सुनवाई के बीच बगावती गुट के प्रमुख अजित पवार ने मंगलवार को खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने कदम का बचाव किया। अजित पवार ने 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के बाद 2 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में मंगलवार को 100 दिन का कार्यक्रम पूरा किया। इस अवसर पर जारी एक बयान में अजित पवार ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री पदी दिवंगत यशवंत राव चौहान को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। हालांकि उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नाम का जिक्र नहीं किया। धन्यवाद।